फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन पोस्टपोन हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें पहले ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली थी, पर अब कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग में डिले होने के कारण मेकर्स इस फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर रोहित शेट्टी और अजय देवगन इस फिल्म की क्वालिटी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अब कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को अगस्त 2024 में रिलीज ना करके दिवाली 2024 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में हमें कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट चेंज होती हुई दिखाई देगी। अभी तक सिंघम अगेन के मेकर्स द्वारा इस फिल्म की पोस्टपोन को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है, तो देखना होगा कि सिंघम अगेन के मेकर्स द्वारा इस खबर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक की जाती है। आपको बता दें सिंघम अगेन रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे अजय देवगन और उनकी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन के बारे में? मी बाजीराव सिंघम मराठा है मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालो। डायरेक्टर नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें तरण आदर्श ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि नितेश तिवारी की रामायण को प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ रॉकिंग स्टार यस की प्रोडक्शन कंपनी मास्टरमाइंड क्रिएशन भी प्रोड्यूस करने वाली है। तो रॉकिंग स्टार यस इस फिल्म में काम करने के साथ साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आपको बता दें डायरेक्टर नितेश तिवारी ने रामायण फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, और कहा जा रहा है कि रणवीर कपूर और साई पल्लवी रामायण के पहले पार्ट की शूटिंग मई से स्टार्ट करेंगे। और वहीं कहा जा रहा है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट रामनवमी के दिन यानी 17 अप्रैल को कर सकते हैं। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि इस खबर को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक की जाती है। प्रदीप रंगनाथन की एक नई फिल्म के अनाउंसमेंट की गई है। अभी तक इस फिल्म के टाइटल को रिवील नहीं किया गया है, पर आपको बता दें प्रदीप रंगनाथन की ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर अशोक मरिमुथु डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं इस फिल्म को AGS प्रोडक्शन के अंडर बनाया जाएगा। अभी तक इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर मेकर्स ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें प्रदीप रंगनाथन की इस फिल्म से जुड़ी कई बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी। कार्तिकेय की आने वाली 8वीं फिल्म के टाइटल को अनाउंस किया गया है। आपको बता दें मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि कार्तिकेय की 8वीं फिल्म का टाइटल भाजे वायु वेगम होने वाला है, जिसे डायरेक्टर प्रशांत रेड्डी डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं इस फिल्म में हमें कार्तिकेय के साथ ऐश्वर्या मेनन लीड रोल में देखने को मिलेंगी। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, तो देखना होगा कि कार्तिकेय की इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होती है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अजय देवगन की फिल्म मैदान ने बुधवार को यानी 10 तारीख को 2,70,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था, और वहीं मैदान ने कल यानी 11 अप्रैल को 4,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। तो इसी के साथ मैदान ने अपने रिलीज के पहले दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7,10,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और 8,40,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, और वहीं इस फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ का कलेक्शन किया है, और इसी के साथ मैदान ने अपने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10,40,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं मैदान के मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि मैदान ने अपने रिलीज के पहले दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10,70,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। तो देखना होगा कि अजय देवगन की फिल्म मैदान का पहले 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। तो क्या आपने अजय देवगन की फिल्म मैदान देख ली है, और अगर देख ली है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। आज मैदान में उतरना 11, लेकिन दिखना एक। और वहीं बात करें बड़े मियां छोटे मियां की तो बड़े मियां छोटे मियां ने अपने रिलीज के पहले दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15,65,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और 18,60,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है, और वहीं इस फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस से 12,40,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है, और इसी के साथ बड़े मियां छोटे मियां ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि बड़े मियां छोटे मियां ने अपने रिलीज के पहले दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 36,33,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो देखना होगा कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का पहले 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। वैसे क्या आपने इस फिल्म को देख लिया है, और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। जाता फंस जाता तू। अरे मैं इनको कंफ्यूज करने मरने की एक्टिंग कर रहा था। देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।